टुडेज रेसिपी इज कैबेजी रोल्स। पहले हम लोग कैबेज का जो ये रहते है इसका निकालने का, इसे हमको निकालने का है एक एक करके ऐसे। अभी एक बर्तन में पानी लेने को, उसमें रॉक सॉल्ट वीसी सॉल्ट ऐड करने का हमको थोड़ा सा, और इसमें ये सारा जो हम लोग ने लीफ निकाला वो सब ऐसे ही हमको इसमें बॉईल करने का, इसे पानी में डुबा के इसको सारा लीव्स को अच्छे से बॉईल करने का। अभी हमारा कैबेज ऐसे ट्रांसपेरेंट जैसे दिखना चाहिए, मतलब ये कुक हुआ अच्छे से। ये सब हमको एक होल वाला बर्तन में लेने का और प्लेट में। अभी वो कैबेज रोल के अंदर स्टफ करने के लिए हमको एक कैरेट, एज मेरा डाइट का पहले वीडियो जो भी देखे उसको पता चलता है, इस डाइट में हम लोग को 1 कैरेट 1 ऑनियन 1 टमाटो यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम लोग यूज करने को नहीं होएगा। तो इसके लिए मैंने 1 कैरेट लिया, 1 ऑनियन और मिर्ची, 1 टमाटो और 100 ग्राम्स का पनीर, वो भी छोटे छोटे टुकड़ा जैसे मैंने कट किया उसको, और अदरक और लहसुन, ये सारा हम लोग स्टफ में डालने वाला है। तो पहले हम लोग को एक बर्तन लेने का, उसके अंदर मैं घी डाल दे, काऊ घी मैंने 2 स्पून का काऊ घी ऐड किया। फर्स्ट इसमें हम लोग को थोड़ा सा अदरक, लहसुन, इसमें हम लोग इस डाइट में 5 वॉलनट खा सकते हैं, तो 5 वॉलनट में भी छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया और वो भी फ्राई कर दें। वॉलनट्स भी अच्छे से फ्राई होने के बाद फिर मैं चिल्ली ऐड कर रहे, जो भी हम लोग कट करके रखा, इसके साथ साथ ऑनियन भी मैं ऐड कर रही। ये दोनों अच्छे से फ्राई होने के बाद हम लोग कैरेट ऐड करने का। ऑनियन फ्राई होने के बाद हम लोग को जो कट किया वो कैरेट भी ऐड करने का। कैरेट भी कुक होने के बाद हमको जो भी पनीर पीसेस हम लोग ने क्यूब के जैसे कट किया ना, वो भी इसमें ऐड करने का। अभी 1 स्पून धनिया पाउडर हम लोग इसमें ऐड करते हैं, और साथ साथ 1 स्पून जीरा पाउडर, मिरी काला मिरी का पाउडर है ना, पेपर पाउडर, वो भी हमको थोड़ा सा ऐड करने का। फिर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा सी सॉल्ट भी हम लोग को इसमें ऐड करने का। फिर सब अच्छे से मिक्स करके और 5 मिनट के लिए ढक्कन रखने का। लास्ट में हम लोग निकालते हैं ना, उस समय पे हम लोग को टमाटो ऐड करने का। पहले हम लोग बॉईल करके जो कैबेज ही रखा उसके अंदर हमको ये स्टफ रखने का। स्टफ रखने के बाद हमको सब साइड से इसको क्लोज करने का, ऐसे ऐसे इसको ऐसे हमको फोल्ड करना। सो हमारा कैबेज रोल फिनिश हो गया। ऐसे सारा कैबेज लीव्स के अंदर स्टफ रखने का और ऐसे पूरा बना के रखने का। अभी सारा स्टफ मैंने कैबेज लीफ के अंदर भरा है, तो अभी एक तवा लेने का, उसके ऊपर फिर से वापस मैंने काऊ घी यूज कर रहे हैं। हम इसको फिर से वापस शैलो फ्राई करने का, रखते हुए थोड़े धीरे धीरे रखने का।
ऐसे, और इसके ऊपर ढक्कन रखने का। अभी दोनों साइड अच्छे से फ्राई होने के बाद हमको सर्विंग प्लेट में सर्व करने का। तो हमारा गरम गरम कैबेजी रोल्स रेडी हो गया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।